Let's start with the revision of chapter number 1. कौन सा chapter number 1? Theory of numbers. The HCF and LCM of two numbers. The HCF and LCM of two numbers are 33 and 264. Respectively, when the first number is completely divided by 2, when the first number is completely divided by 2 and the quotient is 33, when the first number is completely divisible by 2 and the quotient is 33, find the other number. Quotient is 33, find the other number. क्वेश्चन HCF एंड LCM गिवन है. HCF कितना गिवन है? LCM रिलेशन होता है ना LCM और HCF का टू नंबर्स के साथ. क्या होता है कृतिका? क्या होता है? हाँ, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये गिवन है 33, ये गिवन है 264. ये नंबर नहीं गिवन, लेकिन एक चीज गिवन है. कहते हैं जो फर्स्ट नंबर है ना, जो भी वो फर्स्ट नंबर है, जब उसको टू से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है. और क्वेश्चन कितना आता है? 33. एंड रिमाइंडर क्या आता है? जीरो. कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब यही है ना. इसका मतलब नंबर क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करके डिविजन एल्गोरिथम से नंबर आ गया 66. तो फर्स्ट नंबर आ गया 66, सेकेंड नंबर को एक्स ले लो, 132. ठीक है, क्लियर है? A इज एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, B इज एक्स वाई क्यूब. एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स. फाइंड HCF ऑफ AB. HCF ऑफ AB फाइंड करना है. इन दोनों का HCF फाइंड करना है. HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, या GC ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. क्या आएगा? एक्स वाई स्क्वेयर. ठीक है, ये आ गया इसका HCF. HCF में क्या लेते हैं? लीस्ट पावर लेते हैं, कम वाली पावर लेते हैं. लेकिन अगर LCM फाइंड करना हो तो हाईएस्ट पावर लेते हैं. LCM में x की पावर 3 है, यहां 1 है. मैक्सिमम इज x 3 एंड y 2. ठीक है, ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन. अच्छा, एक दो स्टेटमेंट्स हम भी देख लो. लिख लो ये क्वेश्चन. इन अ क्लास देयर आर टू सेक्शंस. Two sections A and B of class 10. There are 32 students in section A. Section A 32 students. Section B 36 students. Determine the minimum number of books required for the library so that they can be equally distributed among the students of section A and B. मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड सो दैट बुक्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द स्टूडेंट अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन. मतलब सबको बुक्स मिलनी चाहिए. अब मुझे एक बात बताओ, अगर सबको बुक्स मिलनी चाहिए तो बुक्स की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम? ज्यादा मतलब क्या निकालना है? LCM. देखो मेरी, हाँ, मिनिमम. देखो एक बात सुनना, जब वैसे देखा जाए कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें कहते ग्रेटेस्ट हैं लेकिन फाइंड हम LCM करते हैं कैसे. जैसे अब हम कहीं जा रहे हैं
कहीं पर भी, और हम कहते हैं कि डिस्टेंस ज्यादा कवर हो कम टाइम में तब अच्छा है कि डिस्टेंस कम कवर हो ज्यादा टाइम में तब अच्छा है? कौन सी जर्नी को बेटर मैम? कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस वाला ज्यादा लेना है मतलब एलसीएम आएगा, और टाइम कम होना चाहिए तो इसका मतलब एचसीएफ आएगा। कम टाइम निकालना ना, तो ऐसे आपने कंसेप्ट का ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ क्या कहता है, आपको बुक्स इतनी चाहिए कि सबको मिलनी चाहिए बुक्स। इसका मतलब अगर बुक्स आप कम क्वांटिटी लोगे, इनका एचसीएफ लोगे, तो एचसीएफ तो ऑब्वियसली छोटा आता है। एचसीएफ जो होता है वो या तो इनका इससे छोटा होता है या इनके इक्विवेलेंट होता है। तो अगर सपोज करो 32 भी आ जाए, तो 32 में तो इन्हें बुक्स मिलेंगी, इन्हें तो नहीं मिलेंगी ना फिर। तो आपको बुक्स क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए ताकि सबको मिल जाए बुक्स। तो आपने इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 288। 288 में ये बता सकते हो किसको कितनी बुक्स मिलेंगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब सबको इक्वल मिलेंगी, ठीक है? कितनी मिलेंगी ये बता सकते हो? ए सेक्शन वालों को कितनी मिलेंगी, बी सेक्शन वालों को कितनी मिलेंगी? ईच स्टूडेंट, आप इंडिविजुअली डिवाइड कर रहे हो? नहीं, एक मिनट बात सुनो ना, आपको कहता है बुक्स जो है इक्वली सबको मिलनी चाहिए, आपने तो एक सेक्शन में डिवाइड कर दी, जब उनको ही दे दी तो उनको क्या मिलेगा? इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों को प्लस करके डिवाइड होना चाहिए। चेक करना हो रहा है डिवाइड, 68, टोटल 68 आ रहा है ना इन दोनों का, देखना डिवाइड कर रहा है 288 को, हो रहा है ना? कितना आ रहा है, 4। ईच स्टूडेंट विल गेट 4 बुक्स। बात समझ आई आपको? थोड़ा सोचना पड़ेगा अगर आंसर आपसे ऐसे पूछा हो तो। दोनों का एडिशन 68 आ रहा है ना, तो 288 को 68 से डिवाइड कर दो, ये 4 पे तो नहीं डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा ना, एक्चुअली इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने हमारे से इंडिविजुअली अलग अलग पूछा ना, तो इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा। कंबाइन करके एक क्वेश्चन इसके जैसा और है वो करो पहले, इस क्वेश्चन है ही नहीं तो मैंने वैसे ही पूछा मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि एक क्वेश्चन ना इसके जैसा और था, उसमें ये था कि एक स्टूडेंट स्कूल में कोई कंपटीशन है, उसमें डिफरेंट स्कूल्स आए हैं, तो ईच रूम में कितने स्टूडेंट्स को बिठाएं कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाई हो, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स लगने चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल सिट इन अ सिंगल रूम, तभी मिनिमम नंबर ऑफ रूम लगेंगे, तो वहां पे क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ, ठीक है? तो वो ऐसे वाला क्वेश्चन था, आरडी में दिया हुआ ये वाला, उसमें पूछा हुआ है इंडिविजुअल, एक ऐसी बुक शेल्फ वाला क्वेश्चन है उसमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, ये तो मैंने वैसे ही पूछ लिया आपसे। चलो लिखो नेक्स्ट। इन अ सेमिनार द पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84, 108। ये वही क्वेश्चन ही है, पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के 60, इंग्लिश 84 और मैथ्स के 108। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम हैज सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इफ ईच रूम हैज सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सिटेड एंड ऑल ऑफ देम बींग ऑफ द सेम सब्जेक्ट, एंड ऑल ऑफ देम बींग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। मीन्स नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, मिनिमम होने चाहिए, लेकिन ये भी कंडीशन है कि हिंदी वाले रूम में हिंदी के स्टूडेंट्स ही होने चाहिए। अब ये वैसा क्वेश्चन है जो आप निकालोगे उसको इंडिविजुअली डिवाइड करोगे, तो आपको हिंदी वाले अलग रूम्स मिल जाएंगे, मैथ्स वाले अलग, इंग्लिश वाले अलग। फाइंड क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे?
चलो फाइंड करो। एक्चुअली ये कहा है ना रूम्स मिनिमम लगने चाहिए, मिनिमम कब लगेंगे, जब ज्यादा स्टूडेंट एक रूम में बैठ जाएंगे। तो 108 एचसीएफ फाइंड करो तीनों का, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना, पहले दो का आंसर फिर जो आएगा उसको थर्ड से। क्या नाइन आ रहा है? नंबर ऑफ रूम्स बताओ। दो का निकाला है आपने, तीसरे नंबर से करो। 12 9s are 108, तो 12 आएगा एचसीएफ। नंबर ऑफ रूम्स निकालो फिर। ऐसे 84 है ऐसे। ये समझ गई, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैं आपको कह रही थी कि कितने रूम से ऑक्यूपाई होंगे। एक के 5 आ रहे हैं, एक के 7, दूसरे के 9, टोटल कितने रूम हो गए? 21। हाँ ऐसे ठीक है, सबके रूम्स मिला के हो गए 21 रूम्स लगेंगे। अच्छा 21 रूम्स का मतलब क्या, 12 क्या था फिर? 12 क्या था जो 12 आया था? क्या था 12? हाँ जी बिल्कुल, मतलब एक रूम में 12 स्टूडेंट बैठेंगे तो 21 रूम्स में पूरे स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपसे पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट का पूछ ले तो 5 रूम्स हिंदी के लिए, 7 इंग्लिश के लिए, 9 मैथ्स, ऐसे इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम इज 12 एंड द रूम्स ऑक्यूपाइड आर 21। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रही थी आरडी में दिया हुआ है, सेम टाइप का है। लिखो नेक्स्ट। हाँ स्टूडेंट्स इन वन रूम, और ये हिंदी के लिए कितने रूम्स लगेंगे? 5। 5 रूम्स में हिंदी स्टूडेंट्स बैठेंगे, 7 रूम्स में इंग्लिश वाले और 9 रूम्स मैथ्स के लिए, टोटल हो गए 21 रूम्स। लिखो नेक्स्ट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। क्या वो नहीं हुआ राहुल? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स That will give us remainder 5. That will give us remainder 5 when divided by 8 and 9 respectively. Find the greatest number of 5 digit that will give us remainder 5 when divided by 8 and 9. When divided by 8 and 9. 8 एंड 9, एंड का मतलब क्या है यहाँ पे? दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब दोनों का क्या है? दोनों का एलसीएम, एंड का मतलब है दोनों का एलसीएम, मतलब 72। बात समझ आई? जैसे प्रोबेबिलिटी में करते थे, अब यहाँ पे आपको कहा जाए मल्टीपल ऑफ 2 और 3 की, 2 एंड 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए, मतलब दोनों का एलसीएम 6 के मल्टीपल होना चाहिए देखा जाए तो। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल्स की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो सेम यहां पर आपको कह रहा है कि